अभी हम लोग आए हैं एक और बढ़िया सी जगह में। अभी तो हम लोग करके आए राफ्टिंग और अब हम आए हैं सिहार झरना वाटर पार्क। तो देखिए कितना प्यारा सा है और ये है सिहार का झरना। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल, एकदम अमेजिंग सा लुक है। यहाँ का वेदर है और हम अभी फ़िलहाल जो है जम्मू में हैं, तो हमारा जो गर्मी का ट्रिप है वो बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मस्त फ़िलहाल तो जा रहा है और साथ में खाना है। तो अभी हम लंच भी करके आए, मैगी खा कर आए, फिर हमने लंच किया, चीयू भी साथ में है। चलिए दिखाते हैं आपको, महादेव के दर्शन कीजिए। सिहार के झरने के पास ये मंदिर बना है। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः जय हो। ये है दान पात्र और सभी को हर हर महादेव। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, आज दर्शन करने आए हैं मैया के। तो ये हमारा नसीब है कि जम्मू में आके हम लोग जम्मू के यहाँ मंदिर में आए हैं। बहुत ही प्यारा है। हर हर महादेव सभी कमेंट में लिख दीजिएगा, हर हर भोले महादेव शंकर। ये गाइस ये है सिहार का झरना। ये देखिए कितना प्यारा सा सुंदर सा झरना, और देखिए कितनी ऊंचाई से आ रहा है ना ये। टॉवल हाँ टॉवल कह रहे तो एक मिनट देना है बच्चे। अच्छी इंसानियत दे दो, मौका सर ये मैं रहेगा 10 रुपए देना 10 रुपए सर क्या उठ लोगे ना अभी तो दे दो ना बच्चों दे दो यार दो बच्चे हैं का मैं ना देने जा रहा हूं लो 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 है ये 20 रुपए चेंज कर छोटे को भी देना ना 10 उसको दे 10 ठीक है दे दिए 10 दे दिए 20 20 चल चल दे रहे हैं तो लिया तो 250 का होगा ना रह जाता तो रह जाता क्या कर लेते। ये अच्छी बात है कि आपकी मेहनत का था, इधर रुक गए हम, नहीं रुकते तो नहीं कितने रह जाता। ये जो पानी आ रहा ऊपर से कहाँ से आ रहा है नेचुरल? ये पहाड़ों से आता है भैया, ये बर्फ पिघल के आती है, ये बर्फ पिघलती है ऊपर जो पहाड़ों पे बर्फ जमी होती है ना। हेलो हेलो हाँ थोड़ी गड्डी ना ना पंज बजे आनी है गड्डी थाना ला दे दो मुंह दे दिए उन्होंने उन्होंने एक ही चढ़ा। अच्छा क्लास सुनाया था इनका देखो, अगर नौ श्रृंगार वाला पॉपुलर बनाना छत्ता डाल के तो 150 का छोटा 100 का छत्ता। नौ देवी को नौ नहीं चढ़ते, एक ही चढ़ता है नौ श्रृंगार वाला माता। डेढ़ सौ वाले में क्या क्या दिखाना? पूरा नौ देवी का पूरा नौ श्रृंगार वाला आएगा 150 का, छत्ता छुत्र वगैरह सारा डाल। इसमें से जो चढ़ा के देंगे वो आपने घर के लिए ले लेना प्रसाद के लिए। तो गाइस अभी हमने ले लिया है प्रसाद, तो यहाँ पर 150 रुपए का जिसमें छत्र वगैरह ये सब देते हैं और 100 रुपए का भी है। Emma
तो गाइस अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर मंदिर नमो देवियों का, तो ये बांगल के नाम से ये जगह है। तो यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी प्यारी है, उनके सिल्क वगैरह और शॉल्स कितनी प्यारी लग रही है। कमेंट करके बताइएगा कौन सा शॉल आपको सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मुझे ग्रीन वाला बहुत प्यारा लग रहा है और यहाँ पर ये क्रीम वाला भी बहुत सुंदर लग रहा है। पकड़ना कहाँ गया शॉल भाई, में फिर हाथ दे दो परी और दे। हाँ तो यहाँ नौ देवियों का मंदिर, हम लोग जा रहे हैं अंदर दर्शन करने नौ देवियों के और यहाँ से प्रसाद लेके। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में, नौ देवियों का मंदिर। गाड़ी में उतार जाते, चढ़ाई कर करके हमारे हाथ पैर बिल्कुल जाम हो गए, हाथ नहीं पैर। उतरने में बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि और देखिए यहाँ पर ये सूट वगैरह और शॉप और शॉप। हाँ जरूर जरूर जरूर। तो देखिए भोपाल से मिले, ले लो गोद में। तो अभी हमको यहाँ पर ये हमारे सब्सक्राइबर भी मिल गए। गोपाल बड़े प्यारे, थैंक यू। हमारे घर में छोटे से बाय बच्चा बाय। ये देखो देखो यहाँ पे, यहाँ पे बताइए क्या चीज़ है। अभी हम अंदर गुफा में गए थे नौ देवियों के दर्शन करने के लिए और हमने वहाँ पर थोड़ी सी कोशिश की कि थोड़ी सी वीडियो बना लें क्योंकि वीडियो जो है अलाउ नहीं थी। तो चलिए दिखाते हैं। तो देखिए हम नीचे लेट लेट के गए थे तो थक गए। अंदर गुफा में जाना पड़ा था, जाओ इधर ही है, ये ऊपर में ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। ये सामने गुफा थी, मुंह से नहीं कभी मुंह से वो हो जाए। हां ये दो फिर जाए अंदर नहीं जा रही, मैंने बोला ना गुफा। दर्शन करके आए जो कि बहुत ही बढ़िया लगे, नौ देवियों के दर्शन किए। आज के इस मंदिर में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ माता रानी के ही लिए कि हमारे हिंदू धर्म में जो नौ देवियाँ हैं उनके क्या क्या नाम हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नौ देवियाँ कौन कौन सी हैं, उनका क्या नाम है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा जय माता दी। पर पानी आ रहा है ना, ये सब पहाड़ों से ही है, बहुत ही ठंडा एकदम। हाँ हाँ देखिए ठंडा पानी। चलिए
माता रानी का पवित्र जल जो सभी को दिया जा रहा है, पी भी रहे हैं और चढ़ा भी रहे हैं। हाथ मुंह धोना है, दो ताजा पानी है। शोले कितने कितने के ये किसका ये? दूसरे भैया कहाँ गए भैया, कोई है क्या? अभी शॉप पे कोई नहीं है। देखिए कितनी प्यारी शॉल लग रही है ना ये भी, और ये, और ये वाली। ये शॉप किसकी है भैया, बुला दो। हमारे पास मैम मतलब 150 से स्टार्ट है। 150 से? 150 रुपए से? दिखाना कौन सी 150। अच्छा, अगर लेना है तो फिर 250-300। 150 वाली कौन सी है वो दिखाओ पहले। और लास्ट से कितनी महंगी रख रखी है? लास्ट में हमारे पास 3.5 लाख वो आती है पश्मीना में जो है ना। हाँ, पश्मीना सबसे महंगी वूल, वो जो हमारे जम्मू कश्मीर में पहले बनती थी लद्दाख में, वो अभी बैन है। वो बनती थी इलीगल तरीके से। अच्छा अच्छा, ये है 150 की। हाँ, थोड़ा मतलब अच्छा लेना है तो 250-350 का। अच्छा गर्म शॉप एक तो आता है मैम, ये है क्या ये वाला? अरे स्टॉल में ही दिखाओ। स्टॉल? हाँ स्टॉल मैम, स्टॉल फिर कढ़ाई वाला जैसे ये वाला है ना। हाँ, ऐसा ऐसा दिखा दो। स्टॉल में कढ़ाई वाला दिखाऊं या? दिखा दो कढ़ाई वाला। एक तो आएगा मैम ये, बैठो दो मिनट बैठ। इसमें बहुत सारे कलर। अभी हम यहाँ पर देखने आए अखरोट, माँ श्री ट्रेडर्स के नाम से। और ये देखिए शॉप यहाँ पर आप। ये देखिए देसी गुलाब, फैला दीजिए भैया। नहीं दीदी, ऐसा कोई नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर कोई इसमें कम हो सकता है, 100 में से एक आधा सूखा हुआ निकल सकता है। उसके लिए दीदी कुछ नहीं कह सकते, सूखा हुआ निकल जाता है। बाकी फ्रेश है दीदी। क्या रेट के? ये 350 रुपए किलो है, वो आगे वाला 550 बोलते हैं जिनका ना। हाँ, कागजी तो 550 और 720 से शुरू होता है, ये नॉर्मल अपोलो। वो टूट जाता है ये भी, आप ये 350 से शुरू हुआ। और ये वाला? ये 550 रुपए। देखते हैं। तो ये देखिए शॉप है, यहाँ पे आपको सभी तरीके के सामान वगैरह मिल जाएंगे। ये भाई साहब है ऑनर यहाँ के शॉप के, और यहाँ से आप ड्राई फ्रूट्स भी परचेस कर सकते हैं, केसर वगैरह और आंवला कैंडी। ये क्या चीज़ है? ये भी कोई ड्राई फ्रूट है क्या? गार्लिक मेडिसिन। ये क्या चीज़ है भैया? ये मैंने लिया है अखरोट, कागजी अखरोट, ये ऐसा है। और ये है यहाँ पर स्पेशल मांडवा राजमा, ये 400 रुपये किलो है, मैंने आधा किलो लिया है। जम्मू का राजमा और तिल गोजे आपने खाए हैं क्या? ये बहुत ही मस्त बेस्ट होता है हमारे लिए। अगर हम इसको खाते हैं ना तो हमेशा एक उठा। ये कितने का पैकेट है ये तिल गोजे का? 1550। कितना है? 250 ग्राम है शायद, है ना? 250 ग्राम का है ये, 1550। तो बहुत ही महंगा होता है और लेकिन हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है ये। हमारे पापा जब एयरपोर्ट जाते थे तब लेकर आते थे।
और ये पापड़ 150 बड़ी। कौन सा वाला ये? ये उधर की दाल, जीरा वीरा दाल का, उड़द की दाल। पकौड़ी है ना उड़द की, 150। ये काजू 900 रुपए का, हाफ के जी है ना? चावल 300 रुपए के जी। कश्मीरी राइस, तो ये देखिए कश्मीरी राइस है 300 रुपए किलो। और ये बादाम है, ये आपने खाए होंगे ये वाले रोस्टेड, ये 1200 रुपए किलो। सर यहाँ का पूरा फूल वाला केसर होता है, ये आता 550 का 1 ग्राम। ये देखो ये होते फूल, 550 का 1 ग्राम। हाँ ये फूल होते पूरे, देखो ना आप, ये तो घोड़ से महंगा है तो। ये केसर होता है 5.5 लाख रुपए किलो। ये देखो ये होते केसर, ये देखो घोड़ से महंगा ही। ये देखो तो गाइस देख लीजिए, 5.5 लाख रुपए किलो खुशबू वाला केसर। ये रियल ही मिलती नहीं है, आप उधर आती डब्बिया बेटा आपके मतलब का नहीं, आप देख सकते हैं। सुन ये तो एक ही फूल बोलते हैं। हाँ ये फूल है पूरी, है ये फूल होते हैं, ये तो कली है, इसके अंदर पूरी कलियां इकट्ठी की हुई है। ये कितने ग्राम वाला होगा? ये होगा 2-2.5 ग्राम भैया बता रहे हैं, 2.5 ग्राम होगा, 3 ग्राम हो सकता है। एक ग्राम इतना होता है, 1 ग्राम की पैकिंग की है हमने, 550 का 1 ग्राम का फूल है। 550 का 1 ग्राम आता है, 5.5 लाख रुपए किलो पड़ता है ये सर, 1 लाख रुपए किलो। इसमें कम दाम का आता दीदी, इसमें 150-200 रुपए नहीं होता। हाँ पता है, दुकानों में तो नकली होते हैं। हाँ वो नॉर्मल क्वालिटी का, ये दाल की बड़ी। हाँ ये कितने का दिया? ये पड़ेगा दीदी पापड़ 150 रुपए का। ये क्या है? गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं जम्मू स्टेशन, और फिलहाल सामान सारा ये निकल गया है यहाँ से, और ये गाड़ी हमने बुक कराई थी। ये भैया है साथ में, तो फुली एसी थी और बहुत मस्त हमारा जो है टूर रहा इस गाड़ी के साथ। हमने कम से कम इसके साथ घूमे हम 5 जगह हम लोग घूमे, और भैया ने बहुत अच्छे से उसको हमें बताया भी, बहुत सारी चीज़ें भैया ने वहाँ लोकल की हमें दिखवाई। तो इनके भैया के साथ हमारा जो आज का टूर रहा वो बहुत ही बढ़िया रहा। अभी भैया देखो हमारे साथ ही हैं, तो भैया ने बहुत अच्छे से हमें यहाँ पर जो है जम्मू शहर की जो फेमस जो हम मतलब भैया को बताता, देखो यही जो लोग होते हैं तो उनको ज्यादा टैक्सी ड्राइवर है, बहुत अच्छे अच्छे साइट सीन करवाए हैं। हाँ तो हमें जो भी दिखाया वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। भैया आपका गुड नेम इज गुड राजकुमार वर्मा, इनका नाम है राजकुमार वर्मा जी। और अपना ये बताइए जो आपसे अगर बुकिंग कराएं तो कैसे क्या है? मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, आप मेल के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू और फ़ोन करके मुझे आप बुकिंग कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में रहते हैं और हमारा टैक्सी स्टैंड कटरा में है। ओके कभी भी नेक्स्ट टाइम आओ जरूर याद करो, बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, वो तो आपने देख ही लिया हमें। हाँ तो भैया की सर्विस बहुत बेस्ट थी, ड्राइविंग बहुत अच्छी थी, एकदम सेफ, फुली सेफ थी, और हमें बहुत अच्छा लगा भैया के साथ। भैया एक्सप्लोर भी करते रहे साथ साथ, हमें दिखाते रहे, तो बहुत मज़ा आया। आप लोग जब भी यहाँ आए तो भैया से अपना बुकिंग करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9906128005। जी तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता दिया गया, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जो है अपना बुकिंग करा सकते हैं। बाकी जम्मू शहर बहुत अच्छा लगा, यहाँ की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी घूमने में, और सबसे बड़ी चीज़ तो वैष्णो देवी माता है, उनके दर्शन बहुत अच्छे हुए, उनसे बड़ा तो कुछ भी नहीं है। तो कमेंट में लिख दीजिएगा फिर से जय माता दी। चलिए अब मिलते हैं आपसे और फिर दिखाते हैं अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी हम लोग आए स्टेशन पे और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत सामान लेंगे, फिर तो उसके बाद हम लोग जा रहे हैं लुधियाना। तो चलिए दिखाएंगे आपको लुधियाना में हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या करेंगे। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं मार्केट में,
लगाओ। और ये है मार्केट, यहाँ से भी आप जो है प्रसाद वगैरह और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं हैं। वही बात कर ले चल। आपके दो दिन दे moments later. So guys, अभी बज रहे हैं रात के 2 और हम लोग उतर चुके हैं स्टेशन से और ये देखिए लगेज वगैरह सारा हमारा। आरक्षण कार्यालय लेफ्ट है यहाँ भी तो अभी नीचे फर्स्ट लिफ्ट पे गए थे, अब सेकंड लिफ्ट मार रहे हैं हम लोग। आओ टीटू अब छेड़ मार दूँ तेरे। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं अमृतसर और यहाँ से हम लोग निकलते हैं होटल के लिए। अभी हमने यहाँ से करा लिया 3 ब्लॉक और अब लोग हम लोग सब जो हैं वो होटल पहुँचते हैं, फिर आपको वहीं पर ही मिलते हैं। टीटू रो रही है क्योंकि उसकी नींद ख़राब कर दी है 2 बजे। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और हम लोग हैं रंग पंजाब फार्मर रेस्टोरेंट एंड स्वीट शॉप। डोमिनोज भी यही है। वाकई में बहुत प्यारा लग रहा है और मैं तो खैर फर्स्ट टाइम ही आई हूँ यहाँ पर अमृतसर। देखते ही रहो और यहाँ देखिए क्लीननेस देखिए गाइस कितना साफ सुथरा एकदम क्लीन। देखो कोई कुछ ऐसी गंदगी नहीं लग रही। तो गाइस ये है हमारा होटल हेरिटेज होम। ग्लोबल इन होटल उसी के सामने है जस्ट। और इधर है हेरिटेज होटल।
पीछे भी सारा सामान देख लेना बिल्कुल। आओ टियो टियो आओ जल्दी से फटाफट। इस सोनी कुड़ी जा रही है लिफ्ट नाल। अभी हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट से अपर। मेरी बेटी जो है मुझे विजिट करा रही है रूम। आओ इधर आ जाओ। ये है रूम चाची चाची और है पता नहीं हम तो देख रहे हैं। ये मैं हूँ। सो गाइस अभी देखिए अर्जेंट में हम लोगों ने ये रूम ले लिया है और हम लोग आ गए ऊपर। दोनों बच्चे और बच्चों के डैडी, मैं और मम्मी, हम सब यहाँ हो जाएंगे नीचे। प्रगति, रोहित और मम्मी नीचे। तो तीन नीचे हैं और छह लोग ऊपर हैं और ये हमारा रूम है। कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है आपको हमारा रूम। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम सिंपल सोफा सा है। वाओ ये तो जलता है। हमें देखिएगा खाना को मैंने यहाँ बिठा दिया। अभी बेडशीट भी यहाँ का चेंज हो रही है। सो गाइस अभी मैं रेडी हो गई हूँ। देखिए मैंने सूट वेयर किया है अभी, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। और हम लोगों ने वहाँ मतलब रात को वहाँ होटल में ठहरे और अभी फिर दोबारा से शिफ्ट किया। और देखिए फिर से दिखा देती हूँ आपको एक और। तो मैंने और प्रगति ने बिल्कुल सेम पहना है, ये देखो हम दोनों का सेम सूट है बिल्कुल। और ये देवर है जो रेडी हो गए। मम्मी अभी रेडी हो रही है। मम्मी दिखाओ तेरे को, मम्मी रेडी हो गई हैं। और ये सारा देखिए। तो तब हमने जो है टू रूम सेट लिया था, अभी हम वन रूम साथ में जो है मिक्स ले लिया। ये लैट बाथरूम है यहाँ का। मम्मी एक मिनट आता ना। ये आ गए बच्चों के डैडी और बच्चे भी रेडी हो गए। बच्चे देखिए ये रहे दोनों। ये देखिए बच्चों के ड्रेस का कमेंट कीजिएगा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। और सो गाइस देखो, और ये ड्रेस मौसा जी ने दी थी। थैंक यू मौसा जी, आपने ये रुड़की वाले मौसा जी ने इनको ड्रेस गिफ्ट की थी। किया के भी कपड़े जो उन्होंने भेजे थे सारे। कुछ अच्छी अच्छी यूनिक चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। तो देखिए जैसे कि जगह ये भी एकदम यूनिक है ना। तो ये देखिए एंटिक बोलते हैं जिनको है ना, ये भी एंटिक लग रहा है। तो वाकई में अमृतसर बहुत ही खूबसूरत है और बहुत सफाई है यहाँ पर। और अलग से यहाँ पे किचन भी है, देखिए किचन भी है यहाँ पर इस तरीके से। भैया लोग यहाँ पर है रेडी हो रही हैं। सो गाइस अभी आए हैं आलू के पराठे और वो खास यहीं पर ही जो हमारा मैंने आपको किचन दिखाया था ना, तो यहीं बनाने वाले भी हैं। उनसे हमने ये पराठे बनवाए और साथ में लिया ये अचार। तो अभी सब कर रहे हैं। वैसे लंच टाइम हो गया लेकिन पराठे तो ब्रेकफास्ट के होते हैं ना। कमेंट करके बताइएगा हमारे आलू के पराठे आपको कैसे लग रहे हैं देखने में। साथ में है कोल्ड ड्रिंक, दही और और हमने जो है आपको भी बता देते हैं, हमने बच्चों के जो है पॉकेट में
कार्ड्स डाल दिए हैं होटल के, बाय द वे ऐसे हो जाता है, वैसे हम बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन आपस में कभी इधर उधर हो जाओ तो बच्चों को कॉन्टेक्ट नंबर और यहाँ का जो भी कार्ड हो विजिटिंग वो बच्चों की पॉकेट में डाल दो, ताकि बच्चे कहीं भी कुछ ऐसा हो जाता है तो वो यहाँ पहुँच जाए, पुलिस वाले या कोई भी इनसे पूछे उन्हें दिखाकर वो यहाँ छोड़ के चले जाए। तो हमेशा जो इस बात का ध्यान रखिए, अपने बच्चों को कॉन्टैक्ट नंबर जरूर रिमेम्बर करा दीजिए, ताकि घूमते फिरते कभी कभार हो जाता है कि इधर उधर हो जाते हैं। चलिए कमेंट करिएगा हमारी फैमिली के लिए कैसे लग रहे हैं हम सब आपको। हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है जो कि हम अभी लंच टाइम में खा रहे हैं, आलू के पराठे। चलिए मिलते हैं फिर, और आप भी आइए हमारे साथ, एंजॉय कीजिए आलू के पराठे। सो गाइस अभी हम लोग खा रहे हैं खाना और मैं पी रही हूँ मसाला छाछ। सब ने हमने क्या लिया साथ में, छाछ दही अचार और पराठा, तो मजा आ गया खा के। कमेंट करके बताइएगा किन किन को यहाँ पर जो है छाछ पीना पसंद है, मसाला की या घर की बनी हुई, कमेंट जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, और आप सभी को सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? और फिलहाल हम लोग हैं अमृतसर में, तो अमृतसर के जितने भी लोग हैं उन सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के सत श्री अकाल। और बहुत ही प्यारा लगा यहाँ पर। अभी तो हम लोग फिलहाल घूमने जा रहे हैं, लेकिन जब हम लोग रात को यहाँ पर 2 बजे आए और 3 बजे हम लोग थे गुरुद्वारे के सामने, तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लगा। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और ये शहर भी बहुत अच्छा है। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आगे से आगे, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं ना वो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत सुंदर सुंदर जगह भी दिखा रही हूँ और साथ में मार्केट वगैरह सब आपको दिखा रही हूँ। तो देखते रहिए और कमेंट करते रहिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए और आगे से आगे बढ़ाते रहिए। चलिए अभी चलते हैं घूमने के लिए और दिखाते हैं आपको अभी हम फिलहाल कहाँ जा रहे हैं।